अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा, हम हैं आपके टाइगर। घबराने की बात नहीं, आप हम आ गए, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। बहुत खून बह रहा है। हॉस्पिटल लेकर जाना होगा हमें। चिंता मत कर भाई, कुछ नहीं होगा तुझे। अस्पताल पहुंच चुके हैं, भरोसा रख हम पर। हमें आप पे पूरा भरोसा भैया, चिंता ना करें, हम भी जो है हम किसी को अलग नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम पर भी। ये कुछ फॉर्म भरना है। आते हैं बच्चा। ध्रुव जी, ध्रुव जी आप यही कही है ना, मैं पता है भी यही है। प्लीज एक बार हमसे बात कीजिए ना, हमें आपसे बात करनी है। प्लीज हमारे सामने आ जाइए एक बार। बाबा जी, ये हमारी भाई की अस्थियां हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस कलश के साथ साथ उसकी आत्मा भी यहीं कहीं है। बाबा जी, आप इस आत्मा को वश में कर लीजिए और किसी भी तरह ना हमारा पीछा छुड़ाइए इससे। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें ध्रुव भैया की आत्मा को मुक्त कर देना चाहिए, बल्कि वश में नहीं। बीच में मत कूदो और चुप बैठो। कोई इशारा कर दीजिए प्लीज, आपको महसूस करना। थानी, हम यही हैं, हम ठीक तुम्हारे सामने हैं। जानते हैं कि तुम हमें नहीं सुन सकते, मजबूर हैं हम। कैसे बताएं कि हम तुम्हारे सामने हैं? हमें पता है कि आप हमें
देख सकता है, सुन सकता है, प्लीज कोई इशारा कीजिए। ध्रुव जी हमें आपसे मिलना है, प्लीज। हम ठीक तुम्हारे सामने हैं तानी, लेकिन क्या करें, हमारी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं पा रही, मजबूर है हम। कैसे पता है? रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, तेरे रंग में। ध्रुव जी रंग जाऊं। मैं आपसे बात करती है ध्रुव जी, प्लीज। कैसे बात कर रहे हैं तुमसे थानी, हमारी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं रही, क्या करें हम? और दर्द मत दीजिए उन्हें,
और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी, क्यों कर रहे आप? अब एक बार उन्हें नहीं बचा पाए पर इस बार मौका बच चुका है, प्लीज उन्हें बचाने दीजिए प्लीज। हम नहीं जी पाएंगे, हम नहीं, हम नहीं, प्लीज गुड लास्ट। अभी क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी ध्रुव जी का मतलब सच में वो तांत्रिक ध्रुव भैया की आत्मा को अपने पास बुला रहा था। भाभी कौन कौन तांत्रिक? हानी, वो सब लोग तांत्रिक के साथ शमशान की पास वाली कुटिया में है। ना तो इस गोले से बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है। जो आ गया तुम्हारा भाई, इससे तुम जो चाहो करवा सकते हो। ये सब क्या कर रहे हैं आप? चंद पैसों के लिए अपने परिवार को तोड़ रहे हैं आप? हम नहीं, तुम्हारी पत्नी धानी वो सब कुछ हड़पना चाहती है। अरे वो नकली ध्रुव तक तो ले आई अपने लालच साबित करने के लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ताकि उस धानी नाम की मुसीबत से वो दूर रहे। लेकिन अब तू आ गया है ना, तो हमें पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया रुके, और इसमें तुझे हमारी मदद करनी होगी। ध्रुव नहीं करेंगे हम आपकी मदद, हर किस नहीं करेंगे आपकी मदद। हम तो पहले ही मार चुके हैं, क्या ही कर लेंगे आप हमारा? अगर ये प्रॉपर्टी हमें आपके नाम कर दी तो हमारा परिवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा, और वो हम नहीं दे सकते। बस बंद करो ये सब। देख धानी, हम अभी भी बोल रहे हैं सब कुछ हमारे नाम कर दे, वरना ध्रुव इसी तरह तड़पता रहेगा। धानी सुनो हमारी बात, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। नहीं, रुक जाओ ये नहीं। किसी ने उस घेरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो वो भी मर जाएगा, और ध्रुव के साथ वो भी उसी की दुनिया में चला जाएगा। बाबा एक बार और हाथ उठाए ना, तेरे ध्रुव कितना तड़ पाऊंगा तू सोचा नहीं होगा। कहां चाहिए तुझे? पैसा चाहिए, हमारी पूरी जायदाद चाहिए। लो आ जल्दी लो, हम करता हूँ दस्तखत करता हूँ। हाँ चाहिए हमें जायदाद, पैसा चाहिए हमें, जायदाद चाहिए, सब कुछ हमारे नाम चाहिए हमको। कर देता हूँ, कर दे। ध्रुव को तकलीफ नहीं देगा। इन पेपर अभी के भी साइन करिए और सब कुछ हमारे नाम करिए। पापा मत करिए ये सब। हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। अरे आप है, बच्चा है, पूरा परिवार है, हमें परिवार चाहिए, हमें ही नहीं चाहिए। अरे अंकल क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए ना। अरे दो मिनट रुकिए, देखिए कैसे सूत करते हैं आप। देवा हमारी ये मर्जी नहीं थी, अपने परिवार को एक करना चाहते थे हम। इले, इले। हमें फुटा बहुत, हम और फिर बना लूंगा, फिर बना लूंगा। जा जा ले जा, सब कुछ ले जा, जा।
अरे ध्रुव भैया काहे बचाए, मरने देते ना? नहीं देवा, बड़े भाई है हमारे, कैसे कुछ होने देते हैं ना? तुम्हारे जाने के बाद हमारे परिवार का सबसे मजबूत सहारा अभिषेक भैया ही तो है। पकड़िए भैया, अरे जी हमने तेरे साथ कितना गलत किया ध्रुव, और तूने हमारी जान बचाई। कभी कुछ होने दिया ही नहीं आपको, तो मैं आज कैसे? शायद आपको याद ना हो, लेकिन हम याद दिलाते हैं कि हमारे परिवार ने यही परवरिश दिया है। हमारे पापा ने और हमारी माँ ने यही परवरिश दिया कि परिवार पहले और कुछ नहीं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपकी आंखों पे लालच का चश्मा बस दिखाई नहीं दे रहा आपको। अरे अब ये ज्ञान की गंगा रहने दो तुम, हमारा सपना पूरा हो गया, जायदाद हमें मिल गई बस। लेकिन किस कीमत पर बुआ जी? बस सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन हमने अपने पूरा परिवार खो दिया, हमने सब कुछ छीन लिया इनसे, मगर इनके चेहरे में एक शिकन तक नहीं। और आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आज भी अकेले हैं। क्या मतलब इन खुशियों का जब हमारे ही हमारे साथ ना हो? हमें नहीं चाहिए ध्रुव ये सब। हमें माफ कर दीजिए पापा, आप सही बोलते हैं, हम कपूत ही हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। अच्छा वो कहते सुबह को भूला शाम को लौट के आता है, उसे भूला नहीं कहते। काशी हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, पर बड़प्पन हमेशा तुमने दिखाया है, हम जायदाद के लालच में आ गए थे, माफ कर दो हमें, अब कभी इस पाप के आसपास भी नहीं भटकेंगे। बाबा हमारे भाई को इस घेरे से आजादी दिलाइए। वैसे तुम माफी के लायक है नहीं हम, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर देना तारी, ये रही तुम्हारी अमानत, इसे प्रवाहित करके तुम अपने ध्रुव को मुक्ति दिला दो। तेरे से तो माफी के लायक भी नहीं है यार, बहुत गलत किया हमने तेरे साथ, आई एम सॉरी यार। दुनिया से जा चुके, अब हमारी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। देवा मैं बहुत अच्छे इंसान हूं, और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारे परिवार का और धानी का अच्छे से ख्याल रखोगे, इसलिए हम धानी को तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। परिवार एक है, और तुम्हारी वजह से हमारा हमारे परिवार को उनका खोया हुआ बेटा मिल जाएगा।
और धानी को एक जीवन साथी। इतने मुश्किलों के बाद हमारे पास वापस आकर आप हमें किसी और को नहीं, हमारी आखिरी इच्छा समझ कर इसे पूरा कर दो प्लीज। सिर्फ आपके प्लीज हाँ कर दो दोनों शादी के लिए। सके तो माफ करना हमें, एक अच्छा बेटा बनने की पूरी कोशिश की हमने और एक पति भी, पर शायद हमारा साथ यहीं तक का था। चाहते तो थे कि थोड़ा और वक्त बिताएं आप लोगों के साथ, पर ऊपर वाले ने शायद कुछ और ही लिखा था हमारे लिए। हम जहां भी रहेंगे अब सबको याद रखेंगे। आ,